कमिश्नर राजेश जैन, आईजी चंचल शेखर ने सिंगरौली कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम राजीव रंजन मीणा, एसपी वीरेंद्र सिंह, नगर निगम कमिश्नर आरपी सिंह व जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में कानून व्यवस्था एवं कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु समीक्षा बैठक की। आईजी एवं कमिश्नर ने सभी को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। बैठक के दौरान कमिश्नर राजेश ने कहा कि अवैध उत्खनन परिवहन करने वाले माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करें। कमिश्नर राजेश जैन ने कहा कि बहनें राखी की जगह अपने भाइयों को मास्क भेंटकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। कोरोना वायरस को लेकर डीएम राजीव रंजन मीणा द्वारा किए गए कार्यों की कमिश्नर श्री जैन ने प्रशंसा की। कमिश्नर ने जिले में वायरस की बढ़ती संख्या को लेकर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि जिले के लोगों को इस बीमारी की रोकथाम के लिए खुद भी सजग रहना चाहिए, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, ज्यादा समय घर में रहें। बैठक के दौरान आईजी श्री शेखर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखें, जो भी गुंडे बदमाश हैं उन पर जिला बदर की सख्ती से सख्ती कार्रवाई करें। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट। सीएम साहब के निर्देश कानून व्यवस्था के बारे में हैं, निर्देश आगे आने वाले त्योहारों के संबंध में हैं, ये सभी चिंता हमको कहीं ना कहीं करना है। अभी आईजी साहब ने जैसा बताया कि कोरोना कब तक फैलेगा कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, और कोरोना का संकट अभी खत्म हुआ नहीं बल्कि वृद्धि हो गई। लॉकडाउन एक और लॉकडाउन दो में रीवा संभाग बचा हुआ था, पहले दूसरे में आपके यहाँ एक आदमी केस नहीं आया था। अब स्थिति परिवर्तित हो रही है, स्थिति बदल रही है और बड़ी संख्या में केसेज आना शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो रीवा में आज 15 केस आए, कल 20 केस थे, उसके पहले 14 केस थे। सीधी में भी अभी कलेक्टर चिंता कर रहे थे, फोन पे 5 केस थे, 6 केस थे। सिंगरौली में भी आज 5 केस हैं, इसके पहले 6 केस थे। तो कहीं ना कहीं केसेज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, तो कौन उनमें कैरियर है ये बताना मुश्किल है, कहाँ से कौन लेके आ रहा है ये बताना भी बड़ा मुश्किल है। सिंगरौली जैसी जगह जहाँ पर बॉर्डर है या अंदर अंदर काम करते हैं, एमपी में भी जा रहा है आदमी, एमपी में भी आ रहा है, खदान में काम कर रहा है, एनसीएल में, तो वो समस्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि सावधानी ही बचाव है। सावधानी के लिए आईईसी कैंपेन आपका अच्छा चल रहा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोएं, दूर रहें, 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें, ये सब हम लोग कर रहे हैं। लोग इतना पालन कर रहे हैं, शुरू में बहुत पालन किया लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीनियंसी हो गई है। शासन स्तर पे भी चिंतित हैं, परसों आकाश त्रिपाठी साहब भी इसीलिए आए थे, कोरोना के लिए वो प्रभारी सचिव हैं यहाँ के, रीवा संभाग के, वो इसीलिए आए थे कि देखें कि कोरोना का प्रकोप और ना बढ़े, क्योंकि जहाँ कम हो गया था वहाँ बढ़ना शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में केसेज जमाने आ रहे हैं। तो सरकार चिंतित है। आज रीवा की बीसी, अभी 4 दिन पहले सीएम साहब ने रीवा की समीक्षा की थी, नंबर ऑफ केसेज बढ़े, आज फिर समीक्षा थी और लगी नहीं, अभी ये लाल पोस्टपोन्ड हो गई है, तो मे बी ये कल